नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो एक नेचुरल हेयर कलर रेमेडी है जिसमें आप अपने ग्रे बालों को नेचुरली ब्लैक कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ केमिकल्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो आपको पता होगा कि मेरा एक वन स्टेप प्रोसेस है और एक टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम मेहंदी और इंडिगो पाउडर को यूज़ करके ग्रे बालों से ब्लैक कन्वर्ट कर सकते हैं या डार्क ब्राउन कलर्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन उस रेमेडी की प्रॉब्लम ये आती है कि वो जब आप इंडिगो लगाते हो ना तो बालों को ऐसे ऐसे जोड़ देता है, ऐसे झाड़ू की तरह ड्राई कर देता है, और जब तक आप शैम्पू नहीं करते हो तब तक बाल ऐसे जुड़े जुड़े रफ यू नो फ्रिजी अजीब से हो जाते हैं। तो मैं बहुत टाइम से कोई ऐसा मेथड ट्राई कर रही थी जिससे हम एक ही बार में कलर कर पाएँ, बार बार मतलब यू नो पहले मेहंदी और बाद में इंडिगो लगाओ ये सब ना करना पड़े, बिकॉज़ विंटर्स आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है और साइनस की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट डाले हैं जिससे आपको कोल्ड भी नहीं होगा क्योंकि हम इसमें डालेंगे लौंग, इसमें ड्राइनेस नहीं आएगी बालों में क्योंकि हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, और कलर बहुत अच्छा एक ही बार में डार्क आएगा, यू नो डार्क ब्राउनिश ब्लैक कलर आ जाएगा ऑलमोस्ट, डिपेंडिंग कि आपका बेस कलर कैसा है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती और कॉफ़ी। नाउ प्रोसेस बनाना बहुत आसान है, ये वन स्टेप प्रोसेस है जिसमें इंडिगो, मेहंदी, चाय की पत्ती, कॉफ़ी, लौंग और एलोवेरा जेल हम मिला के इसे बनाने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। एक ग्लास पानी लिया है मैंने इसे और उसे बॉयल करने रख दिया है। इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 क्लोव्स यानी कि लौंग। इससे आपको अगर सर्दी लगती है तो सर्दी नहीं लगेगी और कलर और अच्छा डार्क भी आएगा। 2 टेबलस्पून यहाँ पे चाय की पत्ती ऐड कर रही हूँ और उसके बाद 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी कॉफ़ी पाउडर। किसी भी ब्रांड की चाय की पत्ती और किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर चलेगा। इसे बॉयल होने दें, 2 से 3 मिनट स्लो आँच पर पकने दें, उसके बाद ढक्कन लगा दें और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। पाँच मिनट के बाद आप नोट करोगे कि पानी थोड़ा डार्क हो जाएगा और ऐसे टेम्परेचर पे आ जाएगा कि अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक बोल ले लें, ग्लास बोल या प्लास्टिक बोल लेंगे तो अच्छा रहेगा, मेटालिक बोल यानी कि स्टील वगैरह का बोल नहीं लेना है। यहाँ मैंने लिया 2 टेबलस्पून ऑफ मेहंदी का पाउडर और 4 से 5 टेबलस्पून इंडिगो पाउडर। नाउ ये वन स्टेप है तो एक ही बार में पूरा पेस्ट बनाएंगे। इसे एक बार अच्छे से पहले मिला लें, उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का जेल चलेगा, मैं यहाँ पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, प्योर एलोवेरा जेल होगा तो अच्छा रहेगा। नाउ ये जो गर्म पानी था ना, हॉट गर्म पानी से ही आपको इस पेस्ट को मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और पेस्ट को मिक्स करते जाएं, ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए नहीं तो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको घोल रही हूँ, ये इतनी क्वांटिटी थी कि मुझे मेरे बालों पर और मेरे हस्बैंड दोनों के बालों पे ये आराम से लग गया था। यहाँ आपको दिखा रही हूँ मेरे ग्रे बाल, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए उतने ज़्यादा ग्रे नहीं है क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक नेचुरल कलर लगाया था, बट फिर भी आपको मेरे ग्रे बाल दिख रहे होंगे, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्रे हैं। तो इनके ऊपर अब मैं लगाने लगी हूँ ये वाला पेस्ट। पेस्ट गर्म ही है, ठंडा नहीं होने दिया है मैंने, पेस्ट को घोलते ही लगाना है, वेट नहीं करनी है। वेट करते हैं तो इंडिगो का असर ऑक्सीडाइज हो जाता है और अच्छा कलर नहीं दे जाता है। कंजूसी ना करें इस पेस्ट को लगाने में, अच्छे से एक एक बाल जहाँ जहाँ ग्रे बाल आपको कोट करना है ना, स्पेशली अगर फ्रंट में मेरी तरह ग्रे बाल हैं तो बहुत अच्छी मोटी लेयर लगाएं ताकि एक भी बाल दिखे ही ना। अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से एक मोटी लेयर मैं लगाती हूँ और मेरा एक भी बाल दिखता ही नहीं है। उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे आपको इसे बालों पर लगा के रखना है और फिर प्लेन पानी से इसे वॉश करना है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, वॉश करने के बाद नेचुरली मैंने बालों को सूखने दिया और अभी शैम्पू नहीं किया है। आप कलर भी देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है, प्लस बाल कितने स्मूथ एंड शाइनी एंड सिल्की लग रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि इंडिगो लगाने के बाद जनरली होता है ना, बाल बहुत ज़्यादा ऐसे चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो हमने इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं एलोवेरा जेल और कॉफ़ी और चाय की पत्ती,
ये एक तरह से नरिशमेंट देता है आपके बालों को और यू नो ड्राइनेस को दूर करता है। स्लो मोशन में बालों को दिखा रही हूँ यहाँ पे, एक एक बाल मेरा, एक एक स्ट्रैंड अलग है और अभी तक शैम्पू भी नहीं किया है। जब शैम्पू करूँगी मैं एटलीस्ट 24 to 48 hours के बाद, जैसे मेहंदी का कलर बाद में डार्क होता है ना, अगले दो दिन तक और डार्क होता जाता है, सेम ऐसे ही इंडिगो का कलर और डार्क होता जाएगा। जब तक शैम्पू ना कर रहे नहीं किया है ना, तब तक लाइट कलर की टी शर्ट्स ना पहने, क्योंकि इंडिगो का कलर थोड़ा थोड़ा छूटता है, फिंगर्स पे भी आता है, पिलो पे भी आएगा, तो कोई पुराना पिलो केस यूज़ करें सोते टाइम। और यहाँ दिखा रही हूँ अगेन मैं अपने बाल, अभी तक शैम्पू नहीं किया है मैंने, ये अगले दिन आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से है। और ये है शैम्पू करने के बाद सनलाइट में कैसा इफ़ेक्ट है, कलर भी देख लो आप और शाइन देख लो बालों की। आई मीन इट्स अ 2-in-1 प्रोसेस एज आई मेंशन, तो आई होप यू लाइक इट। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं और ये प्रोसेस करते आए हैं, तो आप मैं आपको कहूँगी कि आज के बाद से ये वाला प्रोसेस करें, तो आपका एक बार में कलर भी हो जाएगा और बाल रफ भी नहीं रहेंगे। नाउ आई वुड सजेस्ट कि जब कलर आप एक बार पानी से धोएंगे, उसके बाद आप देखना आपके बाल ऐसे आराम से आपकी फिंगर्स जाएंगी उसके अंदर, कोई ऐसे नहीं लगेगा कि बाल बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। दूसरा, 48 आवर्स के बाद ही पहला शैम्पू करना। अभी आप जो मेरे बाल देख रहे हो, पहले तो मैं कलर दिखा दूँ आपको, दिस इज़ द कलर, ये 48 आवर्स के बाद मैंने शैम्पू किया है। यू कैन सी मेरे आगे से ना सारे बाल ग्रे है, बट अगर आप अभी देखो तो क्या अमेजिंग मस्त झकास कलर मिला है मुझे। सो अपना वो झंझट नहीं है कि पहले मेहंदी लगाओ उसके बाद इंडिगो लगाओ और यू नो डाउटफुल रहो कि कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा। सो दिस इज़ अ गारंटीड रिजल्ट और आपको भी ऐसा मिलेगा, बशर्ते अगर आपके मेरी तरह एक्सट्रीमली पोरस बाल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यू नो रेजिस्टेंट बाल होते हैं, पोरस बाल होने की वजह से क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, या रेजिस्टेंट बाल होने की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैं डिटेल में ना बहुत बार अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। इनफैक्ट इंडिगो के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है 2 या 3 और ऑलरेडी चैनल पे है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ यू नो नीचे ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो आपके बहुत सारे डाउट्स, कैसे काम करता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई यू नो बाद में और ग्रे तो नहीं हो जाएंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे, बाल झड़ने तो नहीं लग जाएंगे, ये सारे आपके जो डाउट्स हैं ना उसमें क्लियर होने वाले हैं। प्लस जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या मतलब डे स्टेप 1 स्टेप 0 से आई वुड से स्टेप 0 से लेकर एंड तक रिजल्ट तक कैसे आपको क्या फॉलो करना है पूरा अच्छे से मैंने बताया है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो यू नो बिफोर डूइंग द प्रोसेस। जो ऑलरेडी ये प्रोसेस कर रहे हैं 1 स्टेप वाला या 2 स्टेप वाला, उनको पता ही है कि यू नो इंडिगो कैसे काम करता है। बाकी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है और हो सकता है आप एलर्जिक हो इससे, तो मैं कहूँगी कि पैच टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको इचिंग की प्रॉब्लम ना आए या फिर हेडेक की प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज ठीक है। ठीक है, तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, 2 घंटे चाहिए आपको भाई। अब ये मत कहिएगा कि यू नो आधे घंटे वाला प्रोसेस चाहिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कभी भी आधे घंटे में अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा कहता है ना कि हमने नेचुरल 100% नेचुरल कलर बनाया है और आधे घंटे में आपको इधर से झकास ब्लैक या ब्राउन कलर दे रहा है, ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई लूप होल ज़रूर होगा। तो आप अभी अब 2 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि 4 घंटे चाहिए, अब 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा लगा के रख सकते हो तो और अच्छा डार्क कलर आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा वो कहते हैं ना, तो जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना अच्छा कलर, जितना लंबा लगा के रखोगे उतना अच्छा कलर आएगा, और जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उससे उतना ही अच्छा बालों में एक यू नो बाउंस आएगा, बाल आपके स्मूथ होंगे, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, बिल्कुल भी रफ नहीं होंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ यू नो ड्यूअल रेमेडी, कलर भी हो जाते हैं और एक तरह से बालों की कंडीशनिंग भी हो जाती है, क्योंकि कॉफ़ी है इसमें, चाय की पत्ती है इसमें, एलोवेरा जेल है इसमें, और लौंग है, लौंग से आपको जुकाम भी नहीं होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर हाँ तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यार आप लोग ना वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल ऑल्सो, एंड बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर फॉर सेल्फ गाइस, बाय बाय।